ऑल राइट, तो भाई पिछली क्लास में हमने ये सीखा कि रिलेशन होता क्या है, वो रिश्ता बंधन व्यवहार की बात कर रहा हूं मैं, रिलेशन होता क्या है और वो किस पे एप्लीकेबल है। मैंने बताया था सेट्स पे एप्लीकेबल है ना। ये पिछली क्लास का थोड़ा सा रिवीजन कराऊंगा, फिर टाइप्स ऑफ रिलेशन की तरफ बढ़ूंगा जो इस क्लास का टॉपिक है। तो भाई पहली बात तो ये है कि सेट, ये रिलेशन होता क्या है, सेट के ऊपर लगता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या है, ये सब मैं बता चुका हूँ। क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो सेट का खुद के साथ प्रोडक्ट बनाना या एक एक एलिमेंट्स एक एक करके लिखना, इस तरीके से पेयरिंग करके ऑर्डर्ड पेयर्स बना के लिखना, इसको हम क्रॉस प्रोडक्ट कहते हैं। सारे के सारे एलिमेंट्स हैं भाई, है ना। और जो रिलेशन हम बनाते हैं वो हमेशा इसी क्रॉस प्रोडक्ट का ही सबसेट होता है, ठीक है। इस क्रॉस प्रोडक्ट का सबसेट होता है ये जो रिलेशन हम बनाते हैं। रिलेशन किस किस तरीके से हो सकते हैं, x इज लेस देन y, x इज ग्रेटर देन y, x इज इक्वल टू y, ये हम ऑलरेडी पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं। जिसमें से जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात कर रहे हैं कि कोई रिलेशन हम बना रहे हैं कुछ इस तरीके का, जैसे इस केस में बात कर लेते हैं x इज लेस देन y वाले का। मैंने बताया था कि भाई ये जो ऑर्डर्ड पेयर्स हैं यहाँ पे मेरे पास, वो दोनों के दोनों ही सेट इस सेट के होने चाहिए। और दूसरी बात ये है कि x लेस देन y होना चाहिए, पहला एलिमेंट दूसरे से छोटा होना चाहिए। भाई इनमें से मैंने बताया था कि ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं, ग्रेटर देन y के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहे हैं। इस तरीके से कुछ हम लोगों की क्लास हुई थी पिछली बार जो हम लोगों ने डिस्कशन किया था। तो भाई यहां तक तो बात हो गई थी रिलेशन की, अब थोड़ा सा हम लोग आगे बढ़ रहे रिलेशन को लेके। तो अब साहब इसके अंदर जो दूसरा टॉपिक है वो बता रहा है टाइप्स ऑफ रिलेशंस, ठीक है। कितने प्रकार के रिलेशंस होते हैं, ठीक है। होते तो भाई बहुत तरीके के, हम लोग थोड़े से डिस्कस करेंगे और फिर डिस्कस करेंगे जो बोर्ड्स पे आने वाले जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सबसे पहले हम उठाते हैं, समय ना बर्बाद करते हुए सबसे पहला रिलेशन हम उठाते हैं जिसका कि नाम है साहब एम्प्टी रिलेशन, ठीक है। ये कैसा रिलेशन होता है साहब, नाम से पता चल रहा है यार, नल होना चाहिए सेट। ये जो सेट, जो रिलेशन एक्सपैंड करोगे, जब आर एक्सपैंड होके आए तो वो इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए, इट शुड बी अ नल सेट, ठीक है। इसके अंदर कुछ भी नहीं होना चाहिए। कैसे बन सकते हैं इस तरीके के रिलेशन, आओ देखें जरा। तो यार मान लो रिलेशन कुछ इस तरीके का है, वेर इन एक्स वाई ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, एक्स और वाई दोनों ही ए के एलिमेंट्स हैं, और से एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6, इस तरीके का रिलेशन बन रहा है। हमें ऐसे दो पेयर चुनने हैं इसी में से, इस क्रॉस प्रोडक्ट में से ऐसे पेयर हमने चुनने हैं जिनका सम 6 से ज्यादा हो। क्या तुम्हें कोई दिख रहा है यहां पे जो 6 से ज्यादा हो, नहीं हो सकता। बिल्कुल सही बात है, नहीं हो सकता। इसका मतलब क्या है, ये जो रिलेशन हम एक्सपैंड करेंगे भाई साहब, ये एम्प्टी होने वाला है, नल सेट होने वाला है। इसका मतलब क्या है, इस तरीके के रिलेशन को हम क्या कहते हैं स्पेसिफिकली, जो ये इस तरीके के रिलेशन होते हैं जहां पे हमें नल सेट मिलने वाला है, उनको हम एम्प्टी रिलेशंस कहते हैं, एम्प्टी रिलेशंस कहते हैं। सिंपल है भाई, और बिल्कुल बन सकते हैं, ऐसे बहुत सारे बन सकते हैं, ठीक है। अभी ये फॉर एग्जांपल मैंने बोल दिया है ग्रेटर देन 6, हम ग्रेटर देन 10 ले सकते हैं, ठीक है, या नेगेटिव में कोई वैल्यू ले सकते हैं, भाई x प्लस वाई माइनस 10 के बराबर हो, वो भी ऐसा कोई वैल्यू नहीं आ सकते। हम जितने चाहें उतने इस तरीके से रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं। एंड प्रोडक्ट क्या है, एम्प्टी होना चाहिए। जो सेट बन के आया वो रिलेशन का सेट एक्सपैंड होके आया वो एम्प्टी होना चाहिए। दूसरा रिलेशन हम उठाते हैं साहब यूनिवर्सल रिलेशन उठाते हैं भाई। दूसरा है हमारे पास यूनिवर्सल, ठीक है। यूनिवर्सल का मतलब क्या है, जैसे एम्प्टी में कुछ नहीं था, यूनिवर्सल में पूरी यूनिवर्स होगी, माने पूरा का पूरा ही ये जो सेट आ रहा है वो सबके सब एलिमेंट्स होंगे उसके अंदर। किस तरीके का रिलेशन हो सकता है, पिछली बार हम लोगों ने लिया था ए प्लस बी या एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6, अच्छा इस बार हम ले लेते हैं एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू 6। भाई लेस देन इक्वल टू 6 तो सभी है ना, एक भी पेयर नहीं छूट रहा है लेस देन इक्वल टू 6, बात समझ में आ रही है। तो इस तरीके का अगर सेट होगा जहां पे रिलेशन कुछ इस तरीके का बन रहा है, जहां पे सारे के सारे एलिमेंट छूट के चले आएंगे, किस तरीके से, रिलेशन इज डिफाइंड एज एक्स कॉमा वाई आर द ऑर्डर्ड पेयर्स वेयर इन एक्स कॉमा वाई आर एलिमेंट्स ऑफ सेट ए एंड
एक्स प्लस वाई इज लेस देन सिक्स, माने दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर्स की वैल्यू है छह से कम होनी चाहिए। बिल्कुल हिसाब इसमें देख लीजिए, सारी की सारी वैल्यू जो है वो छह से कम है। तो इस तरीके का जो हम इसको एक्सपैंड करेंगे तो ये खुद से यही वाला सेट आ जाएगा, घूम के ये यहाँ पे यही वाला सेट आ जाएगा, सारे के सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे, ठीक है ना। तो भाई इस तरीके के सेट को, इस तरीके के रिलेशन को कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। क्या कहते हैं? यूनिवर्सल रिलेशन, ठीक है। समय ना बर्बाद करते हुए जल्दी से आगे बढ़ते हैं भाई। अब अगर मान लीजिए कोई ऐसा रिलेशन आ जाए जहां पे x और y दोनों के दोनों बराबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल ये वाला रिलेशन जो हम लोगों ने डिस्कस किया था, x इज इक्वल टू y हो जाए, इसमें हमने वही एलिमेंट उठाए थे 1, 1, 2, 2, 3, जहां पे दोनों के दोनों जो ऑर्डर्ड पेयर्स के जो एलिमेंट्स थे वो दोनों के दोनों इक्वल थे। अगर कोई ऐसा रिलेशन आ जाए जहां पे जो भी x और y हैं दोनों के दोनों इक्वल हैं, उस तरीके के रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है भाई। आइडेंटिटी रिलेशन में क्या होता है साहब, कि जो मेरे पास रिलेशन खुल के आएगा, मेरे पास रिलेशन आएगा उसके अंदर ए कॉमा ए वाले ही पेयर्स होंगे, सारे के सारे जो एलिमेंट्स हैं, जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं वो सबके सब जो हैं एक दूसरे की एकदम डुप्लीकेट कॉपी होगी, एक्स और वाई दोनों बराबर होने वाले, यानी एक्स कॉमा एक्स होगा, वाई कॉमा वाई होगा, इस तरीके के एलिमेंट्स आएंगे। इस तरीके के, ये फॉर एग्जाम्पल ये वाला रिलेशन, इस तरीके के रिलेशन को हम कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन, ठीक है साहब। अच्छा इसमें सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट्स होंगे, अभी मैं जानबूझ के बोल रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ यही एलिमेंट्स होंगे 1, 1, 2, 2, 3, 3, इस स्पेसिफिक सेट की बात कर रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, जो चौथा है हमारा रिलेशन, उसका नाम है, थोड़ा बड़ा बड़ा लिख देता हूं, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव मैंने बड़ा बड़ा इसलिए लिखा है क्योंकि बोर्ड में पूछा जाता है ये, इसके सवाल बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव के, ठीक है। अब जरा समझ लेते हैं रिफ्लेक्सिव क्या होता है भाई। पिछले वाले मैंने बताया था आइडेंटिटी में कि सिर्फ इक्वल पेयर्स ही होते हैं, रिफ्लेक्सिव में देख लेते हैं साहब। रिफ्लेक्सिव की भी कंडीशन कुछ ऐसे ही है भाई। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये है कि जो भी दो एलिमेंट्स आने वाले हैं वो जो है आपस में ही कुछ ना कुछ रिलेशन होल्ड करते हैं, आपस में ही कोई ना कोई रिलेशन शेयर करते हैं। किस तरीके से, जैसे फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं रिलेशन x, y ऑर्डर्ड पेयर्स हैं, x, y a के एलिमेंट्स हैं एंड x इज डिविजिबल बाय y, ये रिलेशन है भाई। इस बार मैंने रिलेशन ये वाला ले लिया, x इज डिविजिबल बाय y, ठीक है। देखिए साहब इसको एक्सपेंड करें, कौन कौन से आने वाले हैं देखो भाई, 1, 1 से डिविजिबल होता है, बिल्कुल होता है, 1, 2 से डिविजिबल होता है, नहीं होता है, 1, 3 से नहीं होता है, 2, 1 से होता है, बिल्कुल होता है, 2, 2 से होता है, बिल्कुल होता है, 2, 3 से होता है, नहीं बिल्कुल नहीं होता, 3, 1 से होता है, हाँ होता है, 3, 2 से नहीं, 3, 3 से हाँ, ठीक है। अब ये सेट थोड़ा सा स्पेशल है, ये रिलेशन थोड़ा सा स्पेशल है, इसके अगर आप एलिमेंट्स देखें ध्यान से तो इसके अंदर आपको ये तीनों ही एलिमेंट्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो क्या ये रिफ्लेक्सिव हुआ? हाँ बिल्कुल हुआ, जब हमारे पास सारे के सारे एलिमेंट्स इससे रिलेटेड, जो भी सेट पे हम काम कर रहे हैं उससे रिलेटेड सारे के सारे एलिमेंट्स हमको रिलेशन में दिखने लग जाएंगे इस तरीके से। किस तरीके से? वेर इन जो एलिमेंट्स हैं एक्स और वाई जैसे एलिमेंट्स हैं तो एक्स विल बी इन रिलेशन विथ एक्स, एक्स अपने साथ ही कुछ ना कुछ रिलेशन होल्ड करेगा, एक्स अपने साथ ही कुछ ना कुछ रिलेशन होल्ड करेगा, एक्स अपने साथ ही कुछ ना कुछ, एक्स अपने साथ ही कुछ ना कुछ रिलेशन होल्ड करेगा, जैसे कि यहां पे आ रहे हैं, और सारे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ एक्स, फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ द सेट, सारी की सारी सेट की वैल्यूज के लिए होल्ड करना चाहिए। 1 के लिए भी किया है, 2 के लिए भी किया है और 3 के लिए भी किया है, ये इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। इसके अलावा कुछ आ सकता है? हाँ बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। लेकिन क्योंकि आइडेंटिटी और जो पिछला वाला पढ़ा था आइडेंटिटी और इसमें यही अंतर है, आइडेंटिटी में कोई दूसरा नहीं आ सकता था, आइडेंटिटी में सिर्फ यही 1, 1, 2, 2, 3, 3 ही चलने वाले, रिफ्लेक्सिव में कोई दूसरा भी आ सकता है। लेकिन जरूरी पॉइंट क्या है कि ये वाले और ये वाले जो तीनों के तीनों पेयर है बराबर होने चाहिए, ठीक है, और सारे ही एलिमेंट्स का होना चाहिए। एक्स शुड रिलेट टू एक्स इटसेल्फ, कुछ ना कुछ रिलेशन होल्ड करे एक्स के साथ,
और फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ द सेट, सारे के सारे वैल्यूज। सिंपल है ये भाई, थोड़ा सा डिटेल में जाके मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि ये पूछा जाता है बच्चों, ठीक है। अच्छा भाई ये तो हो गया रिफ्लेक्सिव, आगे बढ़ते, बहुत इंपॉर्टेंट है यार ये रिफ्लेक्सिव। अच्छा परेशान मत हो ना, ये सब कायदे से जो समझ में आएगा ना वो तभी समझ में आएगा जब हम इसके क्वेश्चंस लगाएंगे, अदरवाइज इट्स बिट डिफिकल्ट बिकॉज इसके अंदर ना यार लिंग्विस्टिक्स का इस्तेमाल ज्यादा है इस चैप्टर के अंदर। ये चैप्टर अमूमन जो मैंने बच्चों को पढ़ाया है उनमें जो प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस होती हैं वो यही होती हैं कि सर क्वेश्चन साहब हमको क्वेश्चन ही नहीं समझ में आ रहा, सब कुछ इंग्लिश लैंग्वेज में लिखा होता है और बहुत ही टेक्निकल मैथमेटिकल इंग्लिश लैंग्वेज होती है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी इसमें इन्वॉल्व होती है, तो बच्चों को समझने में थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट इट विल बी वेरी डिफिकल्ट इफ यू विल जस्ट गो बाय दिस, कि जस्ट अंडरस्टैंडिंग द रिलेशन इन इटसेल्फ कि भैया रिफ्लेक्सिव क्या होता है, ट्रांजिटिव क्या होता है, सिमेट्रिक क्या होता है, इक्वैलेंस क्या होता है, समझ लिया आपने, उसके बाद बैठे हुए आप आराम से, नहीं नहीं इट कैन नॉट हैपन सो। तो भाई हमको करना क्या है, रिलेशन के पहले समझना है। अगले वीडियो में मैं इसके क्वेश्चन बनाने वाला हूँ कि भाई ये कैसे कैसे हम चेक करते हैं, पूछा जाता है आप प्रूफ करके बताइए रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव तो नहीं, कहीं ये वो तो नहीं, ये पूछा जाता, या तो फिर ये बताइए कि सेट दे रखा है कि साहब इसमें ये क्या रिफ्लेक्सिव है सेट, या ये क्या सिमेट्रिक है सेट, ये भी चीज इस तरीके से पूछी जाती है इंडिविजुअली। तो इसके लिए हमको क्वेश्चंस लगाने जरूरी है, ऐसे बात नहीं बनेगी। आगे बढ़ते हैं भाई, समय को बर्बाद ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, रिफ्लेक्सिव भी पूरा हो गया, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद क्या है ये भी देखो भाई, बड़ा सा लिखा है, उसके बाद है तुम्हारा सिमेट्रिक रिलेशन। टेंशन नहीं लेने का भाई, कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली, धीमे से आराम से पढ़ो, ठीक है। देखिए जरा सिमेट्रिक का मतलब क्या है, कि जैसे पिछले वाले में हमको ए एक्स जो है एक्स के साथ ही रिलेशन होल्ड कर रहा था और सारे एलिमेंट्स के लिए होल्ड कर रहा था, यहां पे जो है सिमेट्री आने वाली है, ठीक है। सिमेट्री जैसे फॉर एग्जाम्पल जब हम लोग लाइन ऑफ सिमेट्री खींचते थे छोटी क्लासेस में, 10th में, 9th में, SSC वाले बच्चे मुझे लगता है करे होंगे ये सब, 8th में मैंने पढ़ाया है बच्चों को, तो उसमें जैसे फॉर एग्जांपल कई सारे लेटर्स अल्फाबेट्स की हमें लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी होती, कोई किसी फिगर की लाइन ऑफ सिमेट्री बतानी होती कि हम इधर से देख रहे हैं तो भी फिगर वैसे ही दिख रहा है, उधर से देख रहे हैं तो भी फिगर वैसे ही दिख रहा है, उस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट हो जाता था। वही चीज यहां पे भी कि भाई अगर पहले समझेंगे, इफ देयर एग्जिस्ट एन ऑर्डर्ड पेयर लाइक दिस एक्स कॉमा वाई, अगर ऐसा ऑर्डर्ड पेयर आ रहा है देन ऐसा भी आना चाहिए। समझने वाली बात ये है कि अगर एक्स कॉमा वाई आ रहा है तो वाई कॉमा एक्स भी आना चाहिए, इसमें वो वाला कॉन्सेप्ट नहीं कि सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं, अगर पहला एलिमेंट है तो दूसरा एलिमेंट होना चाहिए, ये बहुत ही सादी सी बात है इसको समझने के लिए। मतलब क्या है इसका, कि अगर x y के साथ कुछ रिलेशन होल्ड कर रहा है देन y को भी वही रिलेशन x के साथ बनाना पड़ेगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करता हूं पहले वाले रिलेशन की, x इज लेस देन y, x इज लेस देन y में अगर हम देखें तो x y से छोटा है, उल्टा घुमा दो, क्या y भी x से छोटा है, नहीं, ये रिलेशनशिप सिमेट्रिक नहीं हो सकता। तो साहब कौन कौन से रिलेशनशिप सिमेट्रिक हो सकते हैं देखते हैं, ये बात मुझे लगता है समझ में आ गई होगी। तो भाई मान लीजिए हम कुछ इस तरीके का रिलेशन बनाते हैं कि साहब x, y ऑर्डर्ड पेयर्स हैं वेर इन x, y एलिमेंट ऑफ a हैं और रिलेशन अपना बन रहा है x माइनस y का मॉडुलस इज लेस देन इक्वल टू 5, ठीक है। हमें अब देखो समझने वाली बात है, इसको समझना ज्यादा जरूरी है। देखो भाई ज्यादा परेशान मत होना कि अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, कैसे उसके अंदर हम निकालेंगे, नहीं, ठीक है, बहुत बहुत आसान है। देखो भाई अगर हम इसमें चेक करें तो x माइनस वाई का मॉड दे रखा है, मॉड का मतलब सारी वैल्यूज पॉजिटिव आने वाली, ठीक है, मॉड का मतलब यही होता है ना, एब्सोल्यूट वैल्यू, सारी की सारी वैल्यूज पॉजिटिव आने वाली है और इट शुड बी लेस देन इक्वल टू 5। ऐसे पेयर्स बनाने हैं कि दोनों को सॉल्व करके आंसर लेस देन इक्वल टू 5 आए, ठीक है भाई। तो अब इसके अंदर अगर कोई एलिमेंट है, कोई पेयर है, कौन कौन से ऐसे हो सकते हैं जिनको माइनस करके हम 5 ला सके, जैसे फॉर एग्जांपल इनमें से तो कोई नहीं है, इसको तो जाने दो, मान लो कोई दो, कोई दूसरा हमारे पास एग्जांपल दे रखा है जहां पे हमारे पास x लेस देन इक्वल टू 5 आए, ठीक है। मान लो हम इसका a हटा के इसको सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स ले लेते हैं, ये इससे अलग है ये, तो भाई
अगर हमारे पास x और y दोनों ही सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में से हैं, नेचुरल नंबर्स के सेट पे बात हो रखी है, नेचुरल नंबर्स मतलब 1, 2, 3 ऐसे करके जा रहे हैं, और मैं कह रहा हूं कि x माइनस वाई इज लेस देन 5, तो अगर कोई ऐसा हम जोड़ा ढूंढने, कोई ऐसा पेयर ढूंढने जिनको माइनस करने पे हमारे पास लेस देन इक्वल टू 5 आ रहा, कैसे साहब? से मैंने एक वैल्यू ढूंढी से 8, 3, दोनों नेचुरल नंबर्स हैं और दोनों के दोनों ही माइनस करने पे मेरे को लेस देन इक्वल टू 5 ही दे रहे हैं हमारे पास, या फॉर एग्जांपल मैं ढूंढ लेता हूँ इस तरीके की कोई वैल्यू 7, 1, ठीक है, ये दोनों ही नेचुरल नंबर्स हैं, मैंने एक पेयर बना लिया है, ठीक है, अब ये दोनों को ही सब्ट्रैक्ट करने पे मॉडुलस की जो वैल्यू है वो लेस देन इक्वल टू 5 आएगी। अब अगर मेरे पास ये वैल्यू है और ये वैल्यू है तो मेरे पास इसकी उल्टी, इसकी सिमेट्रिक वैल्यूज भी होनी चाहिए, सिमेट्रिक पेयर्स भी होने चाहिए, माने इफ 8, 3 इज देयर देन 3, 8 हैज टू बी देयर, इफ द रिलेशन इज टू बी सिमेट्रिक, हमें प्रूफ करना है तो अगर 8, 3 है तो 3, 8 भी होना जरूरी, अगर 7, 1 है तो 1, 7 भी होना जरूरी, बात समझ में आ रही है? ये जो रिलेशन है सिमेट्रिक जो है ये थोड़ा सा पहली कंडीशन पे निर्भर करता है, ऐसा हमारे पास रिफ्लेक्सिव में नहीं था, रिफ्लेक्सिव में सारे एलिमेंट्स का होना चाहिए था और खुद से होना चाहिए था, यहाँ पे नहीं है ऐसा, यहाँ पे इफ दिस इज देयर देन दिस शुड बी देयर, इफ दिस इज देयर देन 1, 7 शुड ऑल्सो बी देयर, ये बात समझने वाली है, ठीक है, आई एम होपिंग कि ये अंडरस्टैंडेबल है भाई, अभी इसके क्वेश्चंस करेंगे तो और ज्यादा समझ में आएगा, आगे बढ़ते हैं। रिफ्लेक्सिव के बाद आता है मेरा ट्रांजिटिव रिलेशन क्या है साहब? ट्रांजिटिव जैसे रिफ्लेक्सिव में हमने देखा 1 पे था, सिमेट्रिक पे 2 पे था, ट्रांजिटिव में 3 पे होता है भाई, 3 एलिमेंट्स हमें मिनिमम में चाहिए होते हैं। क्या मतलब बताने की कोशिश कर रहा हूं मैं, जैसे मान लो तुम्हें दे रखा है कि कोई सेट है, कोई रिलेशन है जिसके अंदर एक्सपैंड होके वैल्यूज आ रही है कुछ ऐसे, a, b है, b, c भी है, है ना, a, b है, b, c है, तो तुम्हें a, c भी मिलना चाहिए सेट में, ये चीज है, ये भी मिलना जरूरी है, ठीक है, इफ a, b इज देयर एंड या a होल्ड्स द रिलेशन विद b एंड b होल्ड्स द रिलेशन विद द सेम रिलेशन विद c, देन वहां पे 1 पे था, यहां पे 2 कंडीशन है, a b के साथ होना चाहिए, b c के साथ होना चाहिए, देन a विल अगेन होल्ड दैट रिलेशनशिप विद c, ये है ट्रांजिटिव। इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं जो मैंने देखा है, ठीक है, देखें जरा, इसमें भी वो सारे एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है, जैसे सिमेट्रिक में नहीं था, सिमेट्रिक में भी सिर्फ इतना ही था कि अगर ये है तो ये होना चाहिए, सारे एलिमेंट्स के लिए नहीं, ट्रांजिटिव में भी सेम केस है, अगर ये है तो ये ढूंढना चाहिए, ये मिलना चाहिए, अगर ये मिल गया तो वो ट्रांजिटिव है, नहीं मिला तो दिक्कत है। इसमें एक थोड़ा सा, इस कंडीशन में एक थोड़ा सा फ्लॉ भी है, देखेंगे, थोड़ा सा फ्लॉ नहीं कहेंगे, लूप होल है थोड़ा सा, वो चेक करेंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो, अब कोई एक दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लो हमारे पास रिलेशनशिप जो एक्सपैंड होके आ रहा है वो कुछ इस तरीके से आ रहा है, 1, 2 कोई रिलेशन हमने बनाया, रिलेशन की बात नहीं कर रहा, कोई रिलेशन एक्सपैंड होके ऐसा आया 1, 2 और हमारे पास 2, 3 भी है, तो हमारे पास क्या होना चाहिए भाई? हाँ भाई, क्या होना चाहिए इसके बाद हमारे पास? 1, 3, तो भाई 1, 3 भी हमें यहाँ पे चाहिए है, वरना बात बनेगी नहीं, ठीक है। ट्रांजिटिव में a, b, c के साथ a, c होना अनिवार्य है, एज सिंपल एज दैट, ठीक है। और इसके अंदर जो लूप में बता रहा था, जो लूप होल था मैं बता रहा था, वो ये है कि अगर 1, 2 है और 1, 3 है, ठीक है, लेकिन 2, something है ही नहीं, 2, something नहीं है, तो ट्रांजिटिव के लिए आप एप्लीकेबल ही नहीं होते रिलेशन चेक करने के लिए। तब साहब, तब सर क्या होगा? वो रिलेशन जो है, क्या वो ट्रांजिटिव होगा? हाँ, तब वो केस में ट्रांजिटिव हो जाएगा, ये लूप होल है, ठीक है, कि अगर आपके पास इफ a, b इज देयर एंड b, c
इज नॉट देयर, बी किसी और एलिमेंट के साथ रिलेशन नहीं होल्ड कर रहा है, देन देन वी नीड नॉट चेक. अब कोई जरूरत नहीं है चेक करने की ए कॉमा सी. भाई बी कॉमा सी नहीं तो ए कॉमा सी कहां से चेक करोगे यार, बोलो है? तो यार अगर ए कॉमा बी है और बी कॉमा सी है ही नहीं तो क्या ट्रांजिटिव होगा? बिल्कुल होगा, क्योंकि वो कंडीशन वायलेट नहीं कर रहा. आई नो थोड़ा सा फनी है बट दिस जो है तो है भाई, बता रहा हूं मैं कि ए कॉमा बी है, बी कॉमा सी है ही नहीं, और तो ए कॉमा सी चेक करें कैसे करेंगे हम? तो इसका मतलब हम कह सकते हैं भाई कि वो ट्रांजिटिव है. ठीक है, तो भाई आई एम होपिंग कि ये सब सारी की सारी बातें अंडरस्टैंडेबल हैं. तो दिस वॉज ऑल अबाउट ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव एंड सिमेट्रिक. अब जो आखिरी है, सबसे लास्ट वाला है, वो थोड़ा सा मजाकिया टाइप का है यार, उसमें ज्यादा मतलब ऐसा कुछ नहीं था. ये जो हमने छह पढ़े ये थोड़े से इंपॉर्टेंट थे. अब ये सातवां हम पढ़ने वाले हैं, इसका नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन. इक्विवेलेंस रिलेशन, मैंने ऐसे क्यों बोला कि मजाक वाला है, तो मेहनत नहीं करनी है. अगर सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव और रिफ्लेक्सिव तीनों के तीनों है रिलेशन, तो अपने आप से इक्विवेलेंस हो जाते हैं. क्या बोला मैंने? अगर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, तीनों के तीनों रिलेशन होल्ड कर रहे हैं, तो वो अपने आप से इक्विवेलेंस हो जाएगा. आई एम होपिंग कि भैया ये अंडरस्टैंडेबल है. नहीं है तो डू मैसेज मी, कमेंट मी. होप दैट हेल्प्स.